आज पूरे प्रदेश में जैन समाज के लोगों का सिद्ध क्षेत्र सनमय शिखर जी को बचाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में झांसी गुरुसराय में भी जैन समाज के लोगों ने नारेबाजी करते हुए SDM को ज्ञापन सौंपा। झांसी के गुरुसराय में आज दिगंबर जैन समाज के द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए SDM को ज्ञापन सौंपा गया। आज सभी जैन समाज के लोगों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर विरोध किया। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने भारतवर्षीय जैन समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। सनमय शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने से भारत के जैन समाज में काफी रोष है। आज गुरुसराय के सभी समाज के लोगों ने झारखंड सरकार होश में आओ के नारे लगाकर दिगंबर जैन मंदिर से रैली निकाली। रैली नगर के मुख्य बाजार बजरिया से होते हुए थाने की पुलिया, सरकारी अस्पताल, मोदी चौराहा एवं कटरा चौराहे से होकर जैन मंदिर पर समाप्त हुई। इसके बाद सभी ने उपजिलाधिकारी के पास पहुँच कर ज्ञापन सौंपा। झारखंड सरकार ने हमारा 20 महाराज की वो स्थली है समय से कर उस पर पर्यटक स्थल घोषणा की है, उसके लिए विरोध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि इसको स्वीकृता हटवाया जाए, सरकार अपनी जो किया है आदेश वापस ले। ये है कि हम लोगों का झारखंड वर्तमान में झारखंड प्रदेश में हमारे तीर्थराज सम्मेय शिखर जी वहाँ स्थित हैं, जहाँ से जैन धर्म के 20 तीर्थंकरों का निर्माण भूमि है। 24 तीर्थंकर होते हैं हमारे, उसमें 20 तीर्थंकरों की निर्माण भूमि है। अत्यधिक पवित्र, हम लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र, और उसमें हम अपनी मान्यताओं के अनुसार जो हमारे अहिंसा का जो विशेष महत्व है हमारे धर्म में, इसके अनुसार वहाँ क्रियाएँ संपन्न करते हैं। अब झारखंड सरकार ने उसको पर्यटन स्थल जो घोषित किया है या पर्यटन स्थल बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उससे हमारी धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुँचेगी और हमारी आस्था पर चोट पहुँचेगी, क्योंकि वहाँ पर्यटक स्थल बन जाने से वहाँ किसी तरह की गतिविधियाँ जैन धर्म के अनुसार नहीं होंगी, न जैन जो हमारे शास्त्र सिद्धांत हैं उन पर वहाँ आचरण हो। तो हमारी धार्मिक मान्यताओं को जो ठेस पहुँचने वाली है, उसको रोकने के लिए हम लोग, क्योंकि ये हमारा ही स्थल है, सिर्फ जैन धर्मावलंबियों से ही वहाँ मतलब है, तो उससे हम लोग विरोध कर रहे हैं कि वहाँ उसको पर्यटन स्थल घोषित न करके हमारी मान्यताओं के अनुसार हमें इसको संचालित करने का ही अधिकार, जैसा पूर्व में भी रहा है, वर्तमान में भी रहना चाहिए। गुरुसराय से अनिल शर्मा की रिपोर्ट।